हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो अभी एक मैच होने वाला चैंपियंस लीग क्वालिफायर्स लीग का, बेनफिका वर्सेस एसपीके के बीच, जो कि 2 घंटे 1 मिनट बाद खेला जाएगा। एंड इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो लाइनअप्स के बाद आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो इस चैनल का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, फटाफट जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ गाइस। और हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। तो चलते हैं दोस्तों आगे बात करें इस मैच की। तो अभी बहुत एनालाइज करने के बाद मैं इस तह तक पहुंचा हूं कि इस मैच के अंदर जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो है BEN। काफी लोग SPK के फेवर में जाएंगे, लेकिन अगर मैं राय दूं अपनी तो यहां पे BEN के फेवर में जाने में ही बहुत भलाई है। और आगे से बात करें सबसे पहले अपन लोग गोलकीपर की, तो यहां से लूंगा पहला प्लेयर अलेक्जेंडर मैक्सिमेंको। तो ये प्लेयर जो है ये पेनल्टी सेविंग रेशियो इसका खास नहीं है, जो कि हमें फायदा देने वाला है, क्योंकि पेनल्टी अगर रोक देगा तो तब भी फायदा। भगवान ना करे कि पेनल्टी नहीं रुकी और अगर हमारा जो पेनल्टी टेकर है ओपोनेंट टीम का वो है हमारा कैप्टन, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदामंद मतलब होने वाला है गेम, क्योंकि यहाँ पे जो पेनल्टी टेकिंग एंड गोल कीपिंग का जो रेशियो एंड कंपैरिजन है ना, तगड़ा है। आगे से बात करें अगर हम डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर जो कि है ए ग्रिमेल्डो। देन एज यू नो कि आपको ए ग्रिमेल्डो पता होना चाहिए कि क्या प्लेयर है। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग प्लेयर्स देखते हैं कि प्लेयर स्ट्रॉन्ग है नहीं है, लेकिन हम प्लेयर की फॉर्म नहीं देखते। अब मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मान लो कोई बहुत बड़ा प्लेयर है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, अगर वो फॉर्म में नहीं है और उसका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तब भी आप उसको कैप्टन रखोगे हर बार भरोसा करके। तो ऐसे ही मैं भी कर रहा हूँ कि इन प्लेयर्स पर भरोसा करो, एंड ये अच्छा खराब भी उतर रहे हैं। आगे बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, जैन को लूंगा। अब जैन पिछले मैच के अंदर इतना अच्छा खेला था, लिटरली 2 बार इंस्क्रिप्शन वॉन किया, 1 टैकल किया इसने, क्लीन शीट भी मिली, 90 मिनट भी खेला, बट इसका ड्रीम टीम में नाम नहीं आ पाया क्लीन शीट के बावजूद। एंड आगे से बात करूं एन ऑटामेंडी की, निकोलस ऑटामेंडी को तो छोड़ना बनता ही नहीं भाई, एक तुक से भी इसको छोड़ना नहीं बनता, तगड़ा प्लेयर है। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पे जॉर्जी, अगर मैं बात करूँ तो एक ही तगड़ा प्लेयर जो डिफेंडर है वो है SPK की टीम का, यही जॉर्जी। क्योंकि जॉर्जी का क्या है, ये मान लो सब्स्टिट्यूट हो भी जाता है कई बार, मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन अपनी आंखों देखा 86 मिनट में होते हुए, 90 मिनट का तो मैच होता है मैक्सिमम, 94 मिनट्स मान के चल लो अगर ड्रॉ ना हो तो जॉर्जी उस बीच के अंदर एक आधा गोल करता है। लेकिन आज के मैच के अंदर, अभी मैंने इसको 7 वेट करवाया, ये इतना खास आज के मैच में नहीं रहने वाला, वही डर है कि पॉइंट माइनस ना करवाए। एंड आगे से बात करें मिडफील्डर की, द वी मॉसिस, पिछले मैच पे बहुत भरोसा था बट ये खेला ही नहीं तो क्या करता गाइस, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार आज खेलना चाहिए, क्योंकि मेरे को मॉसिस पे ना भरोसा बहुत है, बहुत तक ज़्यादा है, बस ये खेलना चाहिए। राफा की बात करें, दिन पिछले मैच के अंदर राफा ने वापसी की, लगातार आते ही एक ही गोल के साथ ओपनिंग, टैकल्स भी वॉन किया था एक, बट टैकल इसके लिए खास है नहीं क्योंकि ये मिडफील्डर है, अगर इंस्क्रिप्शन करे ना करे वो बात की बात है। एंड आगे से बात करें पीजी की, पिछले मैच के अंदर पीजी बिल्कुल नहीं चला, लेकिन आपको बता दूं आज के मैच के अंदर पीजी के 1 से 2 गोल चांस हैं, बिकॉज ये पेनल्टी टेकर है और ओपोनेंट टीम का पेनल्टी सेवर है बहुत बेकार। सेकंड बात ये कि पीजी की पेनल्टी टेकिंग रेशियो काफ़ी तगड़ी है, प्लस गोल रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, तो पीजी की सिलेक्शन है कम, और अगर अपन लोग कैप्टन रखते हैं और ओपोनेंट टीम वाले की टीम में अगर पीजी नहीं होता, देन डेफिनेटली यू हैव वॉन, यू कैन वॉन। और आगे से बात करूँ स्ट्राइकर की, देन हैरिस को लूँगा। पिछले मैचेस के अंदर हैरिस वैसे खेलता तो नहीं था, लेकिन बीच बीच में आता है, बीच में नहीं खेलता, तो उन्हें ना नाम का है, काफ़ी लोगों ने पिछले मैच के अंदर इसको आँख बंद करके कैप्टन रखा था, मतलब क्या बोलूँ, जितने मेरे ओपोनेंट थे, कम से कम मैंने 12-13 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे पिछले मैच के अंदर, और जितने मेरे ओपोनेंट थे, मतलब मींस मैं आपको बता दूँ बड़े बड़े जितने भी ओपोनेंट्स थे, सबका कैप्टन हैरिस, और आप इसकी देख सकते हैं इसने क्या किया। तो मैं वही राय दूंगा कि प्लेयर को नाम से मत रखो गाइस, काम से रखो कि करता क्या प्लेयर है। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट पे की, अब यहाँ पे लुका को मैंने ले लिया, अभी मुझे शॉर्ट ही नहीं है खेलेगा कि नहीं, क्योंकि इनका लीग्स का फर्क होता है, एक टाइम पे 22 प्लेयर होते हैं एक टीम के पास, जो कि 11-11 में डिवाइड होते हैं और आधे सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो वो बात को समझ के हमें प्लेयर्स लेने होते हैं। और आगे से बात करूँ अलेक्जेंडर सोबोलेव की, देन ये प्लेयर अपनी टीम का पेनल्टी टेकर है, देखो मैं कहता नहीं कि कुछ करेगा नहीं करेगा, लेकिन लार्सन को मैं नहीं ले रहा गाइस, क्योंकि मेरे को अपनी पेनल्टी रेशियो भी देखना है, पता चले पूरी टीम अच्छी चल रही है, कैप्टन ने भी गोल कर दिया, वाइस कैप्टन भी चल गया, एंड में पता चले कि भाई हम हारे कहाँ से, ओपोनेंट टीम का पेनल्टी टेकर नहीं था, तो ये मैं चाहता नहीं बिल्कुल भी। आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन है पीजी, एंड वाइस कैप्टन को अभी मैंने लुका को रखा है, नहीं खेलेगा देन अपन लोग तो डिफेंडर ही ले लेंगे डायरेक्ट, मैं तो डिफेंडर बढ़ा दूंगा एक आधा, बाकी देखेंगे और क्या करना है, और अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको, और उसकी टीम ओपन आएगी टेलीग्राम पे, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, बाय।